तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, ए तुम चलो, ए बगा टिकट बगा जाओ। आ रही है पुलिस, क्या करेंगे इस बार रोहित शेट्टी, कैसे होगी फिल्म की कहानी, कहाँ व्यस्त है शेट्टी। सूर्यवंशी एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार एटीएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा इस फिल्म में जैकी श्रॉफ विलन लश्कर की भूमिका में थे, तो वही कैटरीना कैफ अक्षय के अपोजिट दिखाई दी थी। इस फिल्म की कहानी मुंबई पर होने वाले आतंकवादी हमले पर आधारित थी। मुंबई पर लश्करों द्वारा एक अटैक प्लान किया जा रहा था जिसे रोकने की जिम्मेदारी मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक योद्धा की जिसका नाम वीर सूर्यवंशी है। मुंबई पर होने वाले हमले को रोकने के लिए सूर्यवंशी, सिम्बा और सिंघम ये तीनों ही अपनी पूरी ताकत लगाते दिखे थे। इन तीनों ही अफसरों की एक बड़ी लड़ाई आतंकवादी संगठन के खिलाफ है जो मुंबई शहर पर हमला करने वाला है, ये पहले पार्ट में दिखाया था। और अब एक बार फिर आ रही है पुलिस दुश्मनों का खात्मा करने। रोहित शेट्टी जल्द ही सिनेमा घरों में सूर्यवंशी 2 लाने वाले हैं। इस बार की कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित दिखाई जाएगी। खबर है कि इस बार की कहानी जम्मू कश्मीर में हुए फिदायीन हमले को लेकर दिखाया जाएगा। इस हमले ने पूरे भारत को चौंका दिया था। यह सच है कि फिदायीन हमला करने वालों ने अब अपनी रणनीति को भी पूरी तरह से बदल लिया है। ये कुपवाड़ा में आज हुए फिदायीन हमले तथा पिछले साल अरनिया व उड़ी में हुए हमलों से साबित होता है। जुलाई 1999 में जब कारगिल युद्ध समाप्त हुआ तो 6 अगस्त 1999 को पहला फिदायीन हमला हुआ था। एकमात्र आतंकी ने फिदायीन की भूमिका निभाते हुए सैनिक शिविर के भीतर घुसकर हमला किया तो एक मेजर समेत 3 सैनिकों की मौत हो गई थी। पहले फिदायीन हमले के 17 सालों के बाद फिदायीन हमलों में शामिल होने वालों की संख्या अब 1 से बढ़कर 6 तक पहुँच गई है। फिदायीन हमलों में सिर्फ फिदायीनों की संख्या ही नहीं बढ़ी है बल्कि उनकी रणनीति भी बदल गई है। इन दोनों बड़े फिदायीन हमलों का खास पहलू ये था कि दोनों ही हमलों में शामिल आतंकी अपने साथ रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार जैसे हथियार लेकर आए थे और अपने साथ वो इतना गोला बारूद लेकर आए थे जो मुठभेड़ों को कई दिनों तक जारी रखने के लिए काफी थे। यही नहीं, इन दोनों फिदायीन हमलों से एक और बात सामने आई कि दोनों ही हमले कई किलोमीटर भीतर आकर हुए हैं, जबकि दोनों ही हमलों में शामिल फिदायीनों ने ताजा घुसपैठ की थी और फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर सभी को चौंकाया था। इस कहानी को इस बार रोहित शेट्टी पर्दे में लाने वाले हैं, लेकिन अपने स्टाइल के तरीके से ताकि लोग इससे कनेक्ट कर सकें। फिलहाल तो रोहित शेट्टी अपनी आने वाली फिल्म कॉप सीरीज में व्यस्त है। इस सीरीज में लीड रोल में शिल्पा शेट्टी नजर आने वाली है और उनका साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा देने वाले हैं। जैसे ही रोहित इसे खत्म कर लेंगे वैसे वो सूर्यवंशी 2 के काम में जुट जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की खास खबर। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही वीडियो पसंद आने पर आपने इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा।